हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स में शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू एंड थ्री, है ना। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और वो डिग्री टू और थ्री की है, तो हम उसको मतलब इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें दिया हुआ है, जैसे ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू में दी हुई है ना। कितने ऑर्डर की? टू इंटू टू, है ना, डिग्री टू की। ऑर्डर टू की हमें दी हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले डेल्टा टी हमारा क्या आ जाएगा? इसमें डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट आप इक्वेशन बना सकते हैं इसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। क्या लिखेंगे आप इसमें? टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर। फिर माइनस आएगा, माइनस के बाद क्या आएगा? ट्रेस। क्या होएगा? ट्रेस, ट्रेस ए और फिर टी, फिर प्लस के डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए मतलब क्या है? जो टी स्क्वायर है माइनस जो ट्रेस, ट्रेस क्या होता है? डायगनल का जो सम होता है वो हमारा ट्रेस होता है। प्लस डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे इससे। वैसे डिटर्मिनेंट जो आइगन वैल्यू जितनी होती हैं उनका जो अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल जाता है? वो हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाता है। और आइगन वैल्यू जो हमारे डायगनल में ये होती हैं, उसको अगर हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा ट्रेस हो जाता है। डायगनल का जो सम होता है वो ट्रेस होता है। उसी तरह क्या आएगा यहाँ, चाहे लिख लीजिए आप कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस ए होता है हमारा द सम ऑफ द डायगनल ऑफ ए, द सम ऑफ द सम ऑफ द डायगनल ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमें दिया होगा, जैसे हमें दिया है वन टू थ्री और फोर, है ना, ये हमें मैट्रिक्स दी है टू इंटू टू की। तो हमसे से इसमें क्या पूछा? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछी है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछिए क्या होगी इसकी, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कर दीजिए आप इसमें, तो देखिए इसमें हमारे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है इसमें? वन और फोर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वन प्लस फोर एक्स। ठीक है, फिर क्या है? प्लस, प्लस में डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? चार एकम चार और दो तीन छः, है ना, तो कितना आ जाएगा? फोर माइनस सिक्स इक्वल जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस के टू। तो ये हमारे क्या आ जाएगी? ये हमारे क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई हमारे। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना है। देखिए, अगर हमारी है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की, तो हम क्या करेंगे इसमें? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा? डेल्टा टी इक्वल टी स्क्वायर लेंगे, फिर क्या आता है? माइनस, माइनस ट्रेस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें? जो हमारा ए वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री इनको ऐड कर देंगे, तो ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री को ऐड करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा टी। पहले माइनस आया, प्लस आया, फिर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए, जो हम निकालते हैं ना, डिटर्मिनेंट ए ए इक्वल जीरो। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी ऑर्डर थ्री की, अगर हमारा है। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है ये। अगर हमसे जैसे इफ पी इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, फाइंड इसमें पी इनवर्स, तो आप इतना सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ऐसे ही डायरेक्ट कर दोगे। हमें क्या निकालना? पी इनवर्स। तो याद रखना आप क्या करोगे, जो ये वाला टर्म है ए और डी, है ना, इसको क्या कर देंगे हम? इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा ए। ठीक है, और जो ये वाले हैं इनमें कोई चेंज नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा? पूरे में हर एक एलिमेंट से क्या डिवाइड कर देंगे? डिटर्मिनेंट पी का, है ना। अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ वन अपॉन डिटर्मिनेंट, यहाँ लिख दीजिए डिटर्मिनेंट पी, पी का जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो लिख देंगे, यहाँ थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसमें ऐसे कर देंगे डी, और फिर उसका जो हमारा पी डिटर्मिनेंट जो हम निकालेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, है ना, फिर माइनस बी पी डिटर्मिनेंट, फिर माइनस सी, माइनस सी पी डिटर्मिनेंट, फिर ए पी डिटर्मिनेंट। तो इससे आप डायरेक्ट पी इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप।
जैसे हमें दिया होगा, अगर हमें कहीं ए डैश का होल डैश दिया है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कहीं हमें दिया ए प्लस बी का होल डैश, क्यों आ जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश आ जाएगा। कहीं हमें दिया हुआ के ए का होल डैश इक्वल के ए डैश हो जाएगा। फिर अगर हमें दिया हो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश और ए डैश, है ना, ये ट्रांसपोज होता है कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, है ना, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें जो हमारी एडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है, कौन सी होती है बताइए, क्या होती है, ये होती है ए स्क्वायर इक्वल ए। मतलब कोई भी हमें ए मैट्रिक्स दी होगी और उसमें हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। फिर हमारी जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो क्या होती है, ए की पावर के इक्वल जीरो, क्या होता है, ए की पावर के इक्वल जीरो। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है हमारी ए स्क्वायर इक्वल आई, है ना, ए स्क्वायर इक्वल क्या आती है, आई होती है। फिर है उसके बाद, फिर होती है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा जो ए डैश है वो क्या होता है, इक्वल ए के होता है। और इसमें जो हमारे सारे टर्म होते हैं ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और जो इसके जो डायगनल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, रियल होते हैं, क्या होते हैं, रियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई इसमें वैल्यू दे दी, तो वन आई, वन आई, टू आई ले लिया, आई माइनस टू, फोर यहाँ ले लीजिए माइनस के टू आई, और यहाँ पर आ जाएगा फोर थ्री, क्योंकि इसमें क्या होता है ए आई जे, ए आई जे इक्वल क्या होता है, ए जे आई, है ना, ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई। जैसे वन आई माइनस टू आई है तो वन आई माइनस टू आई आ गया, फिर माइनस टू फोर माइनस टू फोर, फिर थ्री हो गया। और इसमें ये देखिए, ये थ्री माइनस टू, ये वन, ये सब क्या है, रियल, हमेशा रियल नंबर्स मिलेंगे इसमें। और जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो ए डैश होता है, जो हमारा ए डैश होता है वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस ए के बराबर हो जाता है, ठीक है, माइनस ए के बराबर हो जाता है। इसमें आप ये याद रखना कि इसके जो डायगनल है ऑलवेज क्या मिलेंगे, जीरो, क्या मिलेंगे, जीरो। जैसे जीरो एच जी, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएंगे, माइनस के एच माइनस के जी, फिर जीरो डायगनल, यहाँ भी जीरो डायगनल, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हमारा एफ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के एफ आ जाएगा, है ना। तो ये जो हमेशा डायगनल है क्या होंगे, जीरो होंगे। और एक चीज़ और, अगर इसके ऑर्डर जो है हमारे ओड में है, जैसे कि थ्री इंटू थ्री या फाइव इंटू फाइव या सेवन इंटू सेवन में है, तो तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्यूज मैट्रिक क्या हो जाएगी, इक्वल जीरो हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी होती है हमें ए आई जे, है ना, इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ, यदि उसके आई जेथ टर्म जो होते हैं, जो हमारे आई जेथ टर्म होते हैं, एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कंजुगेट, है ना, कंजुगेट, ये क्या है, कंजुगेट, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है ना। जैसे हमें ये दे दिया, इसमें जो डायगनल होंगे ऑलवेज क्या होंगे, रियल होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। जैसे ए बी प्लस आई सी है, तो यहाँ इसका कंजुगेट हो जाएगा, बी माइनस आई सी इस फॉर्म में होंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में देखिए, इसमें क्या होता है, ए डैश कंजुगेट इक्वल, है ना, बार इक्वल माइनस ए, तो इसमें माइनस ही आ जाएगा। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में होता है वैसे ही होता है, बस इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। जैसे जीरो माइनस टू माइनस आई, टू माइनस आई माइनस आई, इसमें देखिए, इसमें या तो डायगनल जीरो होंगे या फिर आई की फॉर्म में होंगे, ना, या तो जीरो की फॉर्म में होंगे या फिर आई की फॉर्म में होंगे, इससे अलावा नहीं होंगे इसमें, ना। तो हमने क्या देखा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, ये सारे हमने देखे हैं। कल हम इसके और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।